ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीकली रीडिंग बनाने जा रही हूँ जो कि पहले आपके करियर के लिए होगी, देन आपके लव लाइफ के लिए, एंड फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। और आई वेलकम द न्यू पीपल जिन्होंने भी आज मेरा चैनल ज्वाइन किया है। सो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप रीडिंग आई होप आपको ज़रूर पसंद आए फ्रेंड्स। ये रीडिंग सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग होती है, जिससे भी मैच करे आप उसके अकॉर्डिंग देखें। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर ऊपर मेंशन किया है। आई रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करते हैं तो फ्री रीडिंग्स के लिए मत करा करिए। और कुछ लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, मैम प्लीज़ कम कर दीजिए प्लीज़। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है उस टाइम रिस्पॉन्ड करना। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहती, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं भी जब ये फ्री रीडिंग्स बनाती हूँ उसके बाद जो वो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं दोज आर पेड रीडिंग्स। सो आप समझिए कि ऐसे उनमें बार्गेनिंग ना किया करें। इट रियली गिव मी सम ऑकवर्ड फीलिंग। बस एक छोटी सी बात कहनी थी। और बाकी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू। ये एक नई रीडिंग, नए साल की रीडिंग है। सो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका इस नए साल में, नई रीडिंग में। सो भगवान आपका ये नया साल ईश्वर बहुत अच्छा आपके लिए लाए, और हमेशा आप सब खुश रहो जो भी वीडियोस देख रहे हो मेरी, और जो भी ये दुनिया में लोग हैं सबके लिए ये साल बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, सबके लिए बहुत अच्छा रहे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इसी खुशी खुशी के साथ हम अपनी रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो सजिटेरियस यानी के धनु राशि, आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, आप अपने एनर्जी में, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड आया है कंट्रोल का, देन लवर्स, दो कार्ड्स आए हैं पॉसिबिलिटी एंड गाइडेंस। सो देखिए फ्रेंड्स, 2024 के पहले साल में कहीं ना कहीं आपको जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग बने, ना ही ज़्यादा लेट गो करें चीज़ों को, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। जो मुझे दिख रहा है आप शायद में भी बहुत ज़्यादा लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या तो खुद को कंट्रोल कर रहे हो या लोगों को करने की कोशिश कर रहे हो, या सिचुएशन अगर अभी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसलिए कर रहे हो, कुछ इस तरीके की मुझे आपकी दिख रही है। देखिए द लवर्स के कार्ड और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड से क्या दिख रहा है कि डेफिनेटली 2024 में आपको अच्छी नई नई पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, नई नई चैलेंजेस भले ही हैं। देखिए आप इस कार्ड में देखें कि चैलेंजेस भले ही हैं इस कार्ड में, लेकिन कैसे सूरज के भी दिख रहा है, तो भले ही आपको एक पूरी जर्नी कवर करके वहाँ तक पहुँचना है, उनको ओवरकम करना है, लेकिन समय आएगा, आगे आपको रास्ते जब मिलेंगे, चीज़ें जब मिलेंगी, और वो कैसे होगा, एक तो जब आप बहुत सीरियसली अपने काम पर ध्यान देते चले जाएंगे, अगर हो सके तो किसी किसी सीनियर की या किसी अच्छे इंसान की जो उस काम में या उस चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपको सही तरह से गाइडेंस दे, सही तरह से बताए कि आपको कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। सो आप इस तरीके की चीज़ों में अपने आप को देख सकते हैं कि अगले साल हर समय नेगेटिव होकर या इस तरीके से सोचकर नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और लोगों से गाइडेंस लेके कैसे मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि 2024 में आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है सजिटेरियस, क्योंकि आपको नए नए रास्ते मिलने वाले, नई नई जब चीज़ें मिलती है ना इंसान को, तभी वो एक्सप्लोर करता है, रिस्क लेगा, तभी तो एक्सप्लोर करेगा ना। वो कौन सा डायलॉग था अभी जो आया था, रिस्क है तो इश्क है, वो आया था ना। सो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया था वो, हालांकि उसका थोड़ा तरीका गलत था, बट ही वॉज डूइंग अ लॉट।
पर्सनल लाइफ के मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 8 of Wands, अगला है सन। सो सैजिटेरियस, 2023 में आप कैसे दुखी जोन में रहे हो, आखिरी में मैंने देखा है आपके कार्ड्स काफ़ी स्ट्रेस वाले आ रहे थे। नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 2 of Wands, पेज ऑफ कप्स एंड 10 of Swords। सो देखो, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना 2023 के एंड में, आप में देख रही थी काफ़ी स्ट्रेस में थे, सो उन चीज़ों से ना अपने अपने आप को काफ़ी ओवरकम कर रहे हो आप, एक ग्रोथ की। सन का कार्ड आया तो आप देख रहे हो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगी, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। नाइट ऑफ कप से, पेज ऑफ कप से दिख रहा है कि आप धीरे धीरे चीज़ों में रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। 8 of Wands से या तो आप बातचीत करने का, या आपको बातचीत करने के लिए ऑफ़र आएगी, मतलब चीज़ों को ठीक करने का ऑफ़र आएगा। 10 of Swords का कार्ड आया तो डेफिनेटली एंडिंग या एक साइकिल कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर आपका। सो बहुत मतलब एक चीज़ें ख़त्म भले ही हुई थी, चीज़ें भले ही थोड़ा सा स्ट्रेस वाले टाइम में गई थी, लेकिन अब एक रिकवरी दिख रही है मुझे वहाँ से, ठीक है। सो कमिंग वीक में एक ब्यूटीफुल रिकवरी है आपके लिए और आगे अच्छा समय दिख रहा है सैजिटेरियस आपके लिए मुझे, ठीक है। आइए देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं आपसे, डिवाइन गाइडेंस लेते हैं फॉर यू। सो क्रॉस रोड्स, चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट्स अ क्रॉस रोड। तो क्रॉस रोड क्या होता है, जहाँ पर इंसान के पास दो ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ उसको पता लगता है मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, जहाँ पर वो सोचता है मैं ये करूँ कि ये करूँ, एक उसे बोलते हैं क्रॉस रोड्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि डेड एंड नहीं है, एक रास्ता है जहाँ पर जिंदगी में दो रास्ते, जैसे हमें स्कूल में ऑप्शंस मिलते थे ना कि ABCD में से कोई सिलेक्ट करना होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, ऐसे ही जिंदगी भी अब आपको एक क्रॉस रोड वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है और आपको उसमें से सही आंसर चूज करना है। तो सही पे चले गए तो अच्छा ही है, और अगर गलत पे चले गए तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। सो आपको देखना है, तो वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी कि मेरे को सही चूज करना है, जब आप खुद को भगवान से जोड़ देंगे, पूजा पाठ करें थोड़ा सा, ठीक है। ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन। तो अगर आप जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़ा सा कंट्रोल सा कर रहे थे, सो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो रहे हैं आपको लग रहा है, या पर्सनल लाइफ में भी कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे पर ही आ गया है, तो थोड़ा सा लेट गो करने वाली सिचुएशन में थोड़ा सा करें। एक मिनट, थोड़ा कैमरा इधर करती हूँ। तो थोड़ा सा रिलीज करें अपना बर्डन, लोगों को भी काम दें, ठीक है, बांटें काम को। सो फ्रेंड्स, ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को सब्सक्राइब करना, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।